हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद मी। आज का मेरा टॉपिक है रिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन रेट ऑफ डोजेस फॉर्म। इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिव ड्रग इन्ग्रेडियंट इन एनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन दैट इज टैबलेट और कैप्सूल एज पर USP, BP एंड IP। ओके, जो डिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि आपकी टैबलेट या फिर आपका कैप्सूल जो है, उनके डिजोल्यूशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस। ठीक है, जो डिजोल्यूशन टेस्टिंग होती है वो हमेशा ही होगी एज पर रेफरेंस। रेफरेंस जो कि आपकी फार्माकोपियाज में कंडीशंस दी होगी डिजोल्यूशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप किसी भी टैबलेट या किसी भी कैप्सूल का जो है डिजोल्यूशन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। ओके, डिजोल्यूशन टेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर्स दिए जाएंगे वो आपके दिए जाएंगे आपके यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर, आपके ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर, आपके इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। ओके, इन फार्माकोपिया के बेसिस पे ही हम किसी भी टैबलेट की किसी भी डोजेस फॉर्म की जो है वो डिजोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, अब इसमें टर्म आ रही है डिजोल्यूशन, तो चलिए देखते हैं डिजोल्यूशन क्या है। डिजोल्यूशन, इट इज़ अ प्रोसेस दैट मेजर द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म टू अ एक्वस मीडियम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। ओके, डिजोल्यूशन क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जो मेजर करती है ड्रग के रेट और एक्सटेंट को कि किस रेट से और कितना अमाउंट जो है वो ड्रग का रिलीज हो रहा है किसी एक्वस मीडियम में अंडर सम स्पेसिफाइड कंडीशन। ओके, फॉर एग्जांपल किसी भी टैबलेट का जब आप डिजोल्यूशन परफॉर्म करते हो और उस टैबलेट को जब आप ड्रॉप करते हो डिजोल्यूशन मीडियम में, तो क्या होने लग जाता है, उस टैबलेट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्या है जो ड्रग है वो अपनी डोजेस फॉर्म से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। इट मींस कि ड्रग रिलीज होने लग जाती है डिजोल्यूशन मीडिया में जब वो ड्रग कम्प्लीटली अंडर उसकी जो एक स्पेसिफाइड कंडीशंस रहती है उस टाइम पीरियड में जब वो ड्रग रिलीज कर जाती है, आफ्टर दैट उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसे डिटरमाइन किया जाता है बाय यूवी मेथड या फिर बाय HPLC मेथड। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिजोल्यूशन टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजोल्यूशन टेस्टिंग, फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो है इवेल्युएशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। ओके, बायो अवेलेबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए भी डिजोल्यूशन टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच रीचेस इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। ओके, वो रहता है बायो अवेलेबिलिटी। बैच टू बैच ड्रग रिलीज यूनिफॉर्मिटी। ओके, बैच टू बैच जो आपके ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उन ड्रग्स में, उन बैचेस में किस तरह से ड्रग का रिलीज होता है, क्या वो रिलीज यूनिफॉर्मली हो रहा है, वो भी वेरीफाई होता है थ्रू डिजोल्यूशन टेस्टिंग। डिवेलपमेंट ऑफ मोर एफिकेशियस एंड थेरेप्यूटिकली ऑप्टिकल डोजेस फॉर्म। ओके, जो डोजेस फॉर्म की डिवेलपमेंट रहती है उसमें भी अगर आपको डिवेलप करनी है कोई एफिकेशियस ड्रग या फिर थेरेप्यूटिकली जो मोस्ट एक्टिव ड्रग्स रहती है उनकी डिवेलपमेंट के लिए भी डिजोल्यूशन टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। एंश्योर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उसकी स्टेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए भी हमें डिजोल्यूशन टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिवेलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एप्लीकेशन। ओके, तो प्रोडक्ट डिवेलपमेंट के लिए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए एंड उसकी रिसर्च एप्लीकेशन जो भी पर्पस रहते हैं, ओवरऑल इन सभी पैरामीटर्स को लेके जो है डिजोल्यूशन टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस रहती है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजोल्यूशन के प्रिंसिपल की कि किस प्रिंसिपल पर है जो ये बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजोल्यूशन टेस्टिंग। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द डिजोल्यूशन टेस्ट मे बी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिवेलपमेंट एंड स्टेबिलिटी असेसमेंट। ओके, इसका जो एक फंक्शनल प्रिंसिपल रहता है इसका वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिवेलपमेंट एंड स्टेबिलिटी असेसमेंट। ओके, थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस को ऑप्टिमाइज करना ड्यूरिंग उसकी
प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की और उसकी स्टेबिलिटी असेसमेंट पे। ओके, या आप इसे कह सकते हो कि एक तरह का रूटीन असेसमेंट ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी बिटवीन प्रोडक्शन लॉट्स। ओके, एक तरह की क्या है ये, रूटीन असेसमेंट भी है जो आपके बैच टू बैच आपके या लॉट टू लॉट आपके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी एक तरह की प्रोडक्शन क्वालिटी को एंश्योर करना भी आता है आपका एक तरह का बेसिक प्रिंसिपल अंडर डिसोल्यूशन टेस्टिंग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स, किस तरह से डिसोल्यूशन के टाइप्स रहते हैं। अच्छा, ये जो आपके टाइप्स आएंगे, सबसे पहले बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन की। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो डिसोल्यूशन को है वो एज पर आपके फार्माकोपिया डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ दो टाइप्स के डिसोल्यूशन एपरेटस की, एक तो बास्केट और दूसरा आपका पैडल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस टाइप्स अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया। ओके, तो सबसे पहले बात करें यूएसपी की, तो यूएसपी के अकॉर्डिंग जो है डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस को क्लासिफाई किया गया है टाइप वन में और टाइप टू में। ठीक है, टाइप वन जो है वो है बास्केट टाइप एंड टाइप टू जो है वो है पैडल टाइप। ओके, और एज पर बीपी और यूएसपी में जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो सिमिलर होगी। जैसे कि इसमें भी बीपी में भी जो है टाइप वन है वो बास्केट टाइप होगा और टाइप टू जो है वो पैडल टाइप होगा। जबकि आईपी में जो है इंडियन फार्माकोपिया में जो डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस को क्लासिफाई किया गया है वो इसके ऑपोजिट है। जैसे कि टाइप वन में उसमें जो आएगा वो आएगा पैडल टाइप और टाइप टू में जो रहेगा वो रहेगा बास्केट टाइप डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से रहती है। तो देखिए, ये है डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें आपका ये रहेगा डिस्प्ले यूनिट्स रहेंगे, ये आपके कंट्रोल यूनिट्स रहेंगे। ओके, जो भी आप में सिस्टम सेटअप रहेगा वो आपके ओवरऑल इन यूनिट्स के थ्रू रहेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से आप सिस्टम सेटअप दोगे और आपका जो डिस्प्ले यूनिट होगा वो आपको विजिबल करवाएगा जो भी आपने इसमें सेटिंग की हुई है इंस्ट्रूमेंट में। इसके अलावा इसमें जो है वाटर बाथ रहेगा, वाटर बाथ के अंदर इसमें हीटिंग रॉड्स रहेगी। ओके, हीटिंग रॉड इसलिए ताकि इसका जो टेम्परेचर है मेंटेन कर सके। इसके अलावा इसमें वेसल्स रहेगी, ये देख सकते हैं आप, ये वेसल्स है। वेसल्स के अंदर ही इसमें क्या है, रोटेटिंग शाफ्ट है। रोटेटिंग शाफ्ट जो शाफ्ट से जो है वो आपका बास्केट या पैडल जो है कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक जो है टेम्परेचर प्रोब है और बेसिकली जो डिसोल्यूशन टेस्टिंग का जो रहता है इसमें टेम्परेचर कंडीशन वो रहती है 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसके अलावा हम देखते हैं जब भी हम कोई डिसोल्यूशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो वो परफॉर्म होगी ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, तो हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो है डिसोल्यूशन टेस्टिंग में असेंशियल होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट रहते हैं फार्माकोपिया के। तो चलिए देखते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट पैरामीटर आर एज पर रेफरेंस। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर जो है इंस्ट्रूमेंट में सेट करने होते हैं हमें फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो चलिए वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें डिसोल्यूशन मीडियम की या फिर डिसोल्यूशन वॉल्यूम की। ओके, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग जो है वो पर्टिकुलर मीडिया में ही डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होगी ये गिवन होगी हमें एज पर फार्माकोपिया, कितना हमें वॉल्यूम लेना है। जैसे कि जो वॉल्यूम लिया जाता है डिसोल्यूशन मीडिया का वो आप 500, 900 या 1000 ml तक आप उसका वॉल्यूम लेते हो, क्योंकि इसमें वेसल की जो कैपेसिटी रहती है वो आपकी रहती है 1000 ml तक। ओके, और तो आपके जो भी आपका मीडिया वॉल्यूम रहेगा वो भी आपके एज पर रेफरेंस रहेगा। सेकंड आपका टेम्परेचर कंडीशन जो रहेगी वो आपकी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी हर एक टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइम पीरियड भी वेरी कर जाता है डोजेस टू डोजेस, ये आपके गिवन होगा फार्माकोपिया में। आपके जो है आरपीएम रोटेशन पर मिनट्स ये भी आपको गिवन होगा फार्माकोपिया में और इंस्ट्रूमेंट टाइप। ओके, कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, किस
किस टैबलेट की या फिर किस कैप्सूल्स के डिजोल्यूशन के लिए, वो भी आपको गिवन होगा फार्माकोपिया में कि ठीक है आपको बास्केट टाइप यूज़ करना है या फिर आपको पैडल टाइप यूज़ करना है। ये सारी की सारी कंडीशंस दी जाती है आपकी फार्माकोपिया में, ओके। और फार्माकोपिया के बेसिस पे ही आप क्या करते हो, डिजोल्यूशन में जो भी आपको पैरामीटर सेट करने होते हैं वो आपके एज पर रेफरेंस होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से रहती है डिजोल्यूशन टेस्ट अपरेटस की। देखिए वर्किंग प्रोसीजर इसका क्या है, प्लेस डिसोल्यूशन मीडियम इनटू द वेसल, ओके। सबसे पहले जब आपने इसमें टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन कर दी, आप सॉरी इसमें जब आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दोगे उसके बाद आप क्या करोगे, प्लेस कर दोगे डिसोल्यूशन मीडियम को। पहले तो वेसल्स को फिल किया जाएगा विद डिसोल्यूशन मीडियम एज पर इसकी जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगी, ठीक है। उसके बाद असेंबल द अपरेटस एंड वार्म द डिसोल्यूशन मीडियम टू 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। आप क्या करोगे, आपने वेसल्स फिल कर दी और उसके बाद आप उसमें जो डिसोल्यूशन मीडिया है उसे वार्म अप करोगे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। और इसमें क्या रहता है, इसमें जो बाथ का टेम्परेचर रहता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू वेसल के अंदर का जो डिसोल्यूशन मीडिया का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। उसके अलावा उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, प्लेस वन डोजेस फॉर्म डोजेस यूनिट इनटू द एपरेटस, ठीक है। उसके बाद जब टेम्परेचर ओके हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, एक जो सिंगल यूनिट डोज रहेगा वो आप एक सिंगल सिंगल जो टैबलेट या कैप्सूल है वो ड्रॉप कर दोगे डिसोल्यूशन मीडिया में। और उसके बाद इन केस ऑफ पैडल अलाउ द टैबलेट और कैप्सूल टू सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल प्रायर टू द रोटेशन, ओके। ये जो आपको पॉइंट रहेगा ये रहेगा आपके पैडल टाइप डिसोल्यूशन टेस्टिंग में। और बास्केट के केस में क्या होगा, अलाउ द टैबलेट कैप्सूल इन अ ड्राई बास्केट एट द बिगनिंग ऑफ ईच टेस्ट एंड लोअर देन बास्केट इनटू पोजीशन बिफोर रोटेशन, ओके। और उसके अलावा जो ये रहेगा बास्केट में, नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑपरेट द एपरेटस इमीजिएटली एट द स्पीड ऑफ रोटेशन स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ओके। जब आप अपनी टैबलेट या अपने जो आपकी कैप्सूल जो है आप ड्रॉप कर दोगे, इंस्ट्रूमेंट आप सेट कर लोगे, आप पैडल कर रहे हो, बास्केट यूज़ कर रहे हो, ओके, उसके बाद उसके रोटेशन के बाद जैसे उस टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद आप क्या करते हो, डिसोल्यूशन मीडिया से जो है सैम्पलिंग की जाती है। और सैम्पलिंग करने के बाद आप क्या करते हो, ड्रग की कंसंट्रेशन का पता करते हो। आपका जो ड्रग कंसंट्रेशन पता की जाती है वो आपके की जाती है थ्रू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और बाय एचपीएलसी, ओके।